رجع عند من؟ جمارك. عند الجمارك. ايش يبغى فيه؟ ختم؟ هاي جود ايفنينج انترنت، ويلكم باك تو شانل، ا نيو داي، ا نيو. لتس سي جوردن چلتے ہیں. ओके गाइस, हम जॉर्डन का बॉर्डर क्रॉस करते हैं, तो मैं ज़रा क्विकली अपनी चेकलिस्ट देख लूँ, क्रेडेंशियल्स चेक कर लें जो बॉर्डर क्रॉस करने के लिए हमें ज़रूरत है. ये मेरे पास ई वीज़ा भी है, ये जॉर्डन का ई वीज़ा है, ये पासपोर्ट, ये मैंडेटरी है बॉर्डर क्रॉस करने के लिए. और फॉर गाड़ी, हमने गाड़ी पर जा रहे हैं तो गाड़ी के पेपर्स भी होना लाजमी. फिर वी नीड गाड़ी का पेपर, ड्राइविंग लाइसेंस, एंड for more important re-entry visa will be required, re-entry visa and our residency permit of Saudi Arabia jo ki already hamare paas hai. okay, here we go. to Allah ka naam lekar shuru karte hain, kya khayal hai? please check your credentials, you have passport and everything fine. already Hafiz already have mostly Hafiz have Schengen and B1 B2 visa, so mostly countries he will get visa on arrival. सो मेरे पास B1 B2 वीज़ा नहीं है, तो इसलिए मुझे ई वीज़ा ऑनलाइन लेना पड़ता है पहले. तो मैं आपको अभी रूट मैप भी दिखा दूंगा, नीचे ये गूगल मैप से देख लें. जो जॉर्डन की तरफ जो रास्ते जाते हैं सऊदी अरब से, वो तीन रास्ते हैं हाफिज़. हाँ, रियाज से, हम अभी हम इस वक्त रियाज में मौजूद हैं, और रियाज से जो है बॉर्डर, जो हमें नियरेस्ट बॉर्डर पड़ेगा, वो हम रियाज से गसीम जाएंगे, गसीम से हाइल सिटी है, हाइल की तरफ जाएंगे, और हाइल से फिर अलजोफ प्रोविंस क्रॉस करते हुए जॉर्डन का बॉर्डर क्रॉस करेंगे. ये एक यहाँ से बॉर्डर जो अप्रॉक्सीमेटली है 1200 से 1400 किलोमीटर तक होगा. तो इधर अभी रात के 9:15 बजे रास्ता भी जाएँ, आई डोंट नो, मेरा फर्स्ट टाइम ट्रैवल है इधर अलजोफ वाली साइड पर, तो मुझे नहीं पता स्पीड लिमिट कितनी होगी वहाँ पर. इस वक्त जो रियाज में जो ईस्टर्न रिंग रोड है उसके ऊपर है, तो आई थिंक सिटी से निकलते टाइम हमें लग जाएगा 30 मिनट्स मैक्सिमम, बिकॉज ऐसा जितना ट्रैफिक नहीं होना चाहिए. सफ़र की दुआ पढ़ लेते हैं. सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद. सुभानल्लज़ी सख़्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून. अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारा ये सफ़र बहुत अच्छा गुजरे. मैं आपको बता दूँ, अभी यहाँ पर रात के 9:15 हुए, जैसे मैंने पहले बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी, और इंशाल्लाह सुबह 12 घंटों में इंशाल्लाह हम ये बॉर्डर क्रॉस कर लेंगे. रास्ते में ब्रेक वगैरह कोई ऐसा चीज़ लेनी नहीं है. 200-300 किलोमीटर के बाद हम वो करेंगे, फ्यूल फिल करवाएंगे टैंकी में. मैंने अपना ऑडोमीटर भी ऑलरेडी ज़ीरो कर दिया है, ताकि मुझे पता चलता रहे कि हमने कितना ट्रैवल कर लिया. सिटी से बाहर निकल रहे हैं अभी, और ये एक्चुअली आपको बता दूँ, ये मदीना रोड है, और ये गसीम तक हम इसी रोड पर ट्रैवल करेंगे, उसके बाद हम गसीम से टर्न करेंगे हाइल सिटी की तरफ. आप दोस्तों सोच रहे होंगे कि हम रात के टाइम में क्यों इतना ट्रैवल करते हैं, तो रात के टाइम ट्रैवल करने में एक तो ये फ़ायदा होता है कि इतने ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होती और सफ़र बड़ी आसानी से गुजर जाता है. तो मैं बहुत ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि मैं रात के टाइम अपने सफ़र का आगाज़ करूँ, और रात में लाइक पुरसकून तरीके से ना हम काफ़ी डिस्टेंस कवर कर लेते हैं. ऑलमोस्ट देखें, हम सिटी से बाहर आ गए हैं, आगे अभी चेक पॉइंट आएगी, तो चेक पॉइंट के बाद ये लाइटें वगैरह ख़त्म हो जाएंगी, तो हम इंशाल्लाह लाइक गसीम हाईवे, मदीना हाईवे है, गसीम हाईवे तक हम गसीम तक इसी रोड पे रहेंगे और फिर अपना रोड चेंज करेंगे. यहाँ से स्पीड लिमिट 120 हो गई है, पहले पीछे सिटी में 110 थी, तो आई थिंक अभी 120 चेक पॉइंट के बाद यही स्पीड 140 तक हो जाएगी, 140 किलोमीटर पर आवर. तो इंशाल्लाह हम काफ़ी डिस्टेंस कर लेंगे. 9:30 हो गए हैं, 15 मिनट में हम यहाँ पहुँच गए हैं, तो ऐसा जितनी ट्रैफिक नहीं थी. गसीम यहाँ से शो हो रहा है 316 किलोमीटर का बोर्ड लगा हुआ था, 316 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली 2.5 आवर में हम गसीम रीजन में पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह. तो ये ऑलमोस्ट सिटी से बाहर जाते हुए आखिरी लाइटें हैं सिटी, आगे चेक पॉइंट आने वाली है, तो चेक पॉइंट के बाद फिर खामोशी खामोशी होगी हर तरफ, दाएं और बाएं सहरा है जैसा कि आप देख सकते हैं.
पता नहीं हाफ स्पीड लिमिट कितनी है अभी इस रोड पे? 120 अभी तक 120 है। हाइल यहाँ से है 582 किलोमीटर, हाइल का बोर्ड भी लगा हुआ था, हाइल अभी है 582 किलोमीटर। और जो बोर्ड लगे हुए हैं अलमजमा, अलमजमा 170 किलोमीटर है, मजमा में जाके गाड़ी में फ्यूल डलवाएंगे और उसके बाद हाइल में जाके दोबारा एक दो फ्यूल डलवाएंगे। ये हमारा रोड मैप है, तो उम्मीद करते हैं आज की बॉर्डर क्रॉसिंग हमारी बहुत अच्छी गुजरे। बॉर्डर पे जॉर्डन के बॉर्डर पे मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, आई डोंट नो मे बी वहाँ पे वो क्या क्या चीज़ चाहिए होगी। आई थिंक हमें गाड़ी की इंश्योरेंस, ये तो मैं अभी वहाँ पे जाके आपको इंशाल्लाह डिटेल से गाइड कर दूँगा कि कौन कौन सा पेपर रिक्वायर्ड है और कौन कौन सा आपने पेपर साथ लेके जाना है। सऊदी अरब से जो लोग बाई रोड ट्रैवल करना चाहते हैं जॉर्डन, तो उनके बारे में ये डिटेल मैं प्रोसीजर सारा बता दूँगा आपको, बॉर्डर्स की डिटेल भी मैं इनमें बता दूँगा कि कैसे कौन सा बॉर्डर को किस सिटी वालों ने कौन सा बॉर्डर यूज़ करना है। रियाज वाले जो है, जो ईस्टर्न रीजन है, उन्होंने कौन सा बॉर्डर यूज़ करना है, रियाज वालों ने और जिद्दा वालों ने कौन कौन सा यूज़ करना है। तो मैं अभी कैमरा थोड़ी देर के लिए बंद करूँगा और फास्ट ट्रैक में जाता हूँ, बिकॉज सारी गाड़ियाँ मुझे क्रॉस कर रही हैं, मेरी लिमिट 120 से भी कम हो गई थी। ये फास्ट ट्रैक में है कि रियाज चेक पॉइंट मदीना हाईवे के ऊपर, जो पहली चेक पॉइंट है रियाज की से बाहर निकलने के बाद, उसी मेन चेक पॉइंट के ऊपर पहुँच गए हैं। तो आप देख सकते हैं काफ़ी ट्रैफिक है, आई थिंक कभी इतना रश होता नहीं है यहाँ पे, आई डोंट नो कि इतनी भीड़ क्यों हो रही है। ये तो अभी चेक पॉइंट के ऊपर पहुँचेंगे तो वहाँ जाके पता चलेगा। बंदे रियाज चेक पॉइंट क्रॉस कर रहे हैं, पता नहीं क्या चेकिंग है जी इनकी हो रही। ये देखिए लिए दो बंदे खड़े थे तो ऐसे ही ट्रैफिक जाम की हुई थी उन्होंने। चेक पॉइंट के बाद स्पीड लिमिट हमारी ज़्यादा हो जाएगी इंशाल्लाह, एटलीस्ट थोड़ा सफ़र हम ज़्यादा कर लेंगे। टू 96 किलोमीटर अगर सेम का बोर्ड लगा हुआ था। फास्ट ट्रैक में जा रहे हैं अभी हम, फास्ट ट्रैक में, और ये देखिए अभी गाइस 280 किलोमीटर किया है अभी, और आप यकीन नहीं करेंगे कि बम्पर से बम्पर लगा हुआ था, इतनी ट्रैफिक है हाईवे के ऊपर, इतनी ट्रैफिक नहीं मैंने आज तक देखी। अब ये आई थिंक गसीम रीजन की चेक पॉइंट, बम्पर से बम्पर लगा हुआ था मुझे पता है, मैंने लाइक टेक भी नहीं लगाई सीट के, यानी इतनी ट्रैफिक थी कि आप बिलीव नहीं करेंगे। अब ये चेकिंग है, काफ़ी देर से मैं साइड से होकर आया हूँ, आई डोंट नो कि ये काफ़ी सख्त चेकिंग हो रही है या क्या सीन है, लेट्स सी क्रॉस करते हैं। जी गाइस चेक पॉइंट क्रॉस कर लिया मैंने, वो बंदा एक ही खड़ा था लेकिन उसने सबको डराया हुआ था, जो गाड़ियाँ सभी ने आस्था कर लिया। आई थिंक आज ट्रैफिक बहुत है एक्चुअली, रोड के ऊपर इतनी ट्रैफिक है और जिसकी वजह से वो आई थिंक 3-4 किलोमीटर तक लंबी लाइन लगी हुई थी पीछे। मैं आपको बता नहीं सकता कि लिटरली रियाज से इधर तक कभी मैंने 282 किलोमीटर हुआ है बम्पर के साथ बम्पर लगे हुए हैं, लाइक 140-150 की स्पीड में भी अगर आप बम्पर से बम्पर लगा हुआ, आप इमेजिन कर सकते हैं कि लाइक कितनी ट्रैफिक होगी और कितना रिस्की है ऐसे ड्राइव करना। जी गाइस 350 किलोमीटर किया है अभी, और गसीम से हमने टर्न ले लिया था हायर हाईवे की तरफ, और उस रोड पे कोई पेट्रोल पंप नहीं आ रहा था, बिल्कुल हमारी रिजर्व पे चल रही थी गाड़ी, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं पहुंच गया हूँ इधर सिटी में, गए हैं हाईवे से नीचे उतर के, अभी पेट्रोल डलवा रहे हैं, अभी इंशाल्लाह पेट्रोल डलवाने के बाद फिर यहाँ से थोड़ा पानी वगैरह लेते हैं तो फिर अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस रिफ्रेशमेंट का सामान भी ले लिया यहाँ से थोड़ा सा, अभी निकलते हैं अल्लाह का नाम लेके सफ़र दोबारा शुरू करते हैं। जी सर चाय का ऑर्डर दिया है, अभी यहाँ से चाय पी के फिर निकलते हैं। जी चाय हमारी आ चुकी है, आप सब कौन सी चाय लेके आए हैं? करक टी है, इसका नाम है करक टी, हमने टी ऑर्डर की है, आई डोंट नो कि शुगर इसमें कितनी है, बहुत गर्म है यार ये, आप देख सकते हैं। सिनेरियो ये है कि 363 किलोमीटर हमने ट्रैवल कर लिया है, अभी हमने हाइल सिटी की तरफ है, हाईवे के ऊपर रुके, पिछले लास्ट पेट्रोल बिल्कुल ख़त्म हो गया था तो सिटी के अंदर से पेट्रोल डलवाया था, अभी हाईवे के ऊपर जो पहला फिलिंग स्टेशन आया
यहाँ से हमने ये टी ली है, तो आगाज करते हैं यहाँ से। अब बाहर निकल के खड़े होते हैं, यहाँ पे पब्लिक बहुत है। ठीक है, फिर क्या तो यहाँ पे तो इतना ख़तरनाक इलाका है, ये आप पिक्चर नहीं ले सकते, ये वो देहाती एरिया है। यहाँ पे आप पिक्चर लेंगे तो आप पे केस कर देंगे, अपनी पिक्चर लेंगे तो आप पे केस हो जाएगा, कैमरा क्यों निकाला बाहर। ये इलाका थोड़ा डेंजरस है, तो एक दो सिप लेते हैं चाय के यहाँ पे, तो गाड़ी अगर स्पीड में हुई तो चाय बहुत टेस्टी है। उसको बोला स्पेशल बनानी है, सही है। मुझे शहर में आया, हम शहर से आए ना, ये गांव है। उसने बोला कि बंदे शहर से आए हैं तो चाय अच्छी बनानी है। लेकिन यहाँ के विलेज भी हमारे इंडिया पाकिस्तान के शहरों से भी अच्छे हैं, यहाँ के विलेजेस इतने वो उन्होंने पैसा लगाया होता है विलेजेस के ऊपर भी, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतरीन है माशाल्लाह। बस हाईवे के ऊपर चढ़ रहे हैं, अभी सामने देखिए आप बोर्ड लगा हुआ है हाइल अलजोफ। हमने हाइल सिटी जाना है पहले, इसके बाद फिर अलजोफ, फिर जॉर्डन के बॉर्डर में। जी जो गाइस देख सकते हैं आप, 3 बजने वाले हैं सुबह के, और हमने 600 किलोमीटर अपना ट्रैवल कर लिया है, और अभी भी जॉर्डन का बॉर्डर यहाँ से 650 किलोमीटर शो हो रहा है, और हम कंटिन्यूसली ड्राइव कर रहे हैं। 3 बज गए हैं एग्जैक्ट, और ऑलमोस्ट आधा सफ़र हो गया है, और इंशाल्लाह अभी सनराइज़ होगा तो फिर आपको थोड़ा लैंडस्केप दिखाएंगे। बाहर डेजर्ट है टोटली जॉर्डन के बॉर्डर तक। जी तो गाइस आप देख सकते हैं अभी आई थिंक 650 किलोमीटर जो हुआ था, मैंने रिस्क नहीं लिया, मैंने कहा कि पेट्रोल डलवा देते हैं, बिकॉज़ आगे थोड़ा डेजर्ट एरिया है और आधी टंकी हो गई थी, तो मुझे नहीं लगता कि हम आधी टंकी में अगले डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं, तो 300 किलोमीटर पे था अगला डेस्टिनेशन। जी भाई डाल दिया पेट्रोल, हमने डलवा लिया है तो कंटिन्यू करते हैं। मैंने रिस्क नहीं लिया, मैंने उससे पूछा पंप फिलिंग वाले से, उसने कहा था आगे कोई फिलिंग सेशन नहीं, अच्छा किया आपने दो स्टॉप ले लिया। आगे 300 किलोमीटर पे अलजोफ ए रीजन आएगा। हम सऊदी अरब में एक रीजन से दूसरे रीजन में हम आए, तो हमारे लिए ऐसे ही है जैसे हम अपने कंट्रीज में एक स्टेट से दूसरी स्टेट में। हाईवे की तरफ बढ़ रहे हैं और 3:20 हो गए हैं गाइस। आई डोंट नो कि कब तक बॉर्डर पे पहुँचेंगे, बॉर्डर पे क्या सीन होगा, कोई आइडिया नहीं है, वहीं जाके आपको अपडेट करते हैं। व्यूज 4:30 हो चुके हैं और 765 किलोमीटर ट्रैवल हमने कर लिया है, स्टिल वी आर गोइंग। रोड ये वाला थोड़ा डेंजरस रोड है, ओके, तो यहाँ पे स्पीड लिमिट भी बड़ी कम है 120, तो हम जा रहे हैं अब कोई ना बंदा ना बंदे की ज़ात, राइट और लेफ्ट साइड टोटल डेजर्ट है। तो अभी भी हमारा ऑलमोस्ट आई थिंक 400+ किलोमीटर बाकी है जॉर्डन बॉर्डर, तो लेट्स सी। अभी तक सनराइज नहीं हुआ, जैसे ही सनराइज होता है मैं आपको बाहर के विजुअल्स दिखाता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएंगे इस
एरिया का लैंडस्केप बहुत देखने वाला, देखने से ताल्लुक रखता है जी। सुबह आना शुरू हो गई है, आप देख सकते हैं हल्की हल्की रोशनी आना शुरू हो गई है, और हमें भी लगातार आई थिंक 9 घंटे हो गए हैं ड्राइव करते हुए, 900 किलोमीटर हमने कर लिया है और अभी भी आई थिंक 300 किलोमीटर लेफ्ट है, बिकॉज क्योंकि 1200 किलोमीटर तक का डिस्टेंस आना जॉर्डन बॉर्डर का, अभी बॉर्डर इधर से 300 किलोमीटर है। तो बाहर आप देख सकते हैं सारा डेजर्ट है इधर दोनों साइड्स पे, थोड़ी और रोशनी होती है तो फिर आपको दिखाता हूँ। किलोमीटर्स करने के बाद एटलीस्ट हम अलजोफ रीजन से भी निकल चुके हैं। एक्चुअली अभी यार गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं यार, फ्रेश होते हैं थोड़ा, जॉर्डन में पेट्रोल बहुत महंगा है, तो प्लान ये है कि यहाँ से फिल करवाएंगे फिर बॉर्डर से भी एक दफ़ा करवाएंगे। ठीक है जी, बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं जी और पेट्रोल नहीं मिला हमें, अभी आगे देखते हैं गेट पे पेट्रोल अगर मिल जाए पेट्रोल डलवाएंगे इंशाल्लाह। आप ये साइड पे सीनरीज देखें, रात को तो आपको कुछ नज़र नहीं आया लेकिन अभी आप देखें ऐसा सीन है। मैं पैसेंजर साइड पे आ गया हूँ फॉर रेस्ट, बिकॉज मैंने कंटिन्यूसली कोई आई थिंक 10 आवर्स गाड़ी चलाई है। 319 किलोमीटर लिखा हुआ है जॉर्डन, बाकी है 3 घंटे लग जाएंगे बिकॉज 120 का रोड है अभी। रियाद यहाँ से है 30 किलोमीटर है, लास्ट सिटी है, उसके बाद फिर बॉर्डर ही आएगा आई थिंक 20-30 किलोमीटर और, टोटल 60 किलोमीटर बाकी है। गाइस ये जॉर्डन के बॉर्डर पे पहुँच गए हैं फाइनली, अभी आई थिंक और 5 मिनट्स की ड्राइव होगी बिकॉज पहले सऊदीया की इमिग्रेशन डिपार्टमेंट आएगा उसके बाद फिर जॉर्डन। वेलकम टू अल हदीसा पोर्ट, इस बॉर्डर का नाम है अल हदीसा बॉर्डर। ओके गाइस, इसको कहते हैं अल हदीसा पोर्ट। तो फिलहाल तो ये ग्रीन सिग्नल ही है, दोनों के इसमें रोकता है या नहीं रोकता, यहाँ पे तो किसी ने नहीं रोका। अभी आगे मूव करते हैं थोड़ा, ट्रॉले यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, आई थिंक क्या सीन है इनका मुझे समझ नहीं आ रहा। पैसेंजर्स ट्रक्स डिपार्चर गेट तो यही है जी, डिपार्चर गेट गेट नंबर 1 से एंटर हो रहे हैं और शीशे खोल दिए हमने। इस गेट वालों ने तो हमें अंदर जाने दिया, कहता जाएं आगे, ये आगे जा रहे हैं। एक ही लेन चल रही है, स्लो डाउन लिखा हुआ है, स्लो डाउन हो गया। यहाँ से रजिस्ट्रेशन होगी आई थिंक, गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन कितने पर्सन जा रहे हैं, कितनी गाड़ियों में कितने लोग हैं, ये सब रजिस्टर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल खालिद, इतने नाम जॉर्डन सम इतने हया कल्ला। यहाँ पे उन्होंने हमसे पूछा था कि गाड़ी में कितने लोग हैं और गाड़ी मेरे नाम पे है या नहीं, तो मैंने उनको बोला जी गाड़ी मेरे नाम पे है, और उन्होंने हमें दो बंदों का इधर आई थिंक ये वाली स्लिप हमसे ना वो आगे ले लेंगे, मैं आगे दिखाता हूँ आप। आगे है जी इमिग्रेशन है सऊदी पासपोर्ट्स, यहाँ से हमारा एग्जिट लगेगा और
पास, जिनको लोगों के अंदर भी भेजते होंगे। हम सीधा काउंटर पे जाएंगे पासपोर्ट एग्जिट पे, तो देखते हैं आगे हमें हमारे साथ क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं हमें। सो लेट्स सी सेकंड हिस्सा में चलते हैं। ये है जी जवाजात का काउंटर है, तो लेट्स सी यहाँ पे पासपोर्ट्स, यहाँ से हमारा एग्जिट लगेगा। इधर उन्होंने लिखा हुआ है जो हमें वहाँ से स्लिप मिली है, बहुत ब्रीक प्रिंट हुआ हुआ है। गाड़ी का नेम प्लेट है, मेरा नाम लिखा हुआ है बिलाल खालिद खालिद महमूद, और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर और सारा कुछ शो हो रहा है। आई थिंक ये कस्टम के लिए होती है कि गाड़ी सऊदीया से बाहर जा रही है, तो गाड़ी की जो फीस आई थिंक वो जॉर्डन वाले साइड पे लेंगे गाड़ी की। आई थिंक उन्होंने गाड़ी के कुछ चार्ज करने हैं हमसे पैसे आगे, तो मैं आगे जाके देखता हूँ वो क्या चार्ज कर। मेरे आगे एक गाड़ी है, ये निकल जाए तो फिर हमारा नंबर आएगा। अस्सलाम वालेकुम। फनी कंप्यूटर सिस्टम्स वादी मुशरफ माना तशीर तमाम जॉर्डन। यहाँ से सऊदी इमिग्रेशन ने हमारा एग्जिट लगा दिया है, तो काफ़ी आपके सामने उन्होंने देखा है कि आपने वो फिंगरप्रिंट हुए हैं, एग्जिट लगा है हमारा, और उन्होंने हमारी रेजिडेंसी कार्ड भी चेक किया है इधर कि रियल में जो हमारे डेजिग्नेशन है वो सेम ही है जो हमने बताए थे उनको। मेरे पास ऑलरेडी वीज़ा था, मैंने उसको बोला था कि मेरे पास वीज़ा है, लेकिन इसके बावजूद उसने मेरी रेजिडेंसी देखी। तो नाउ इट्स टाइम टू हेयर द डिपार्चर, दिस इज़ गेट, सिक्योरिटी गेट, यहाँ पे सिक्योरिटी चेक है आई थिंक। यहाँ से भी उन्होंने सिर्फ एग्जिट स्टैम्प चेक की है। ये एक्चुअली सऊदी इमिग्रेशन वाले ना थोड़ा सा आदमी को कन्फ्यूज़ भी कर देते हैं, तो अभी मैं आप कैमरा घुमाता हूँ आपको दिखाता हूँ कि दूसरी तरफ अभी सही। अभी यहाँ से ये देखिए दो फ्लैग आपको नज़र आ रहे हैं, एक सऊदी फ्लैग है उसके आगे वेलकम टू जॉर्डन, यहाँ पर ही जॉर्डन की हदूद शुरू हो जाती है, और फाइनली वी आर इन दी जॉर्डन। अच्छा जी, अभी आई थिंक ये जॉर्डन की बाउंड्री है, और छोटी गाड़ियाँ उधर जा रही हैं राइट साइड में, और ट्रक्स इधर से जा रहे हैं, हमें राइट टर्न करेंगे। कार्स एंड पैसेंजर्स फ्रॉम दिस साइड, उन्होंने हमें मेंशन किया, हमने यहाँ से टर्न ले लिया है। और आगे ये जॉर्डन का बॉर्डर, यहाँ से जॉर्डन की इमिग्रेशन होगी, और आप सामने देख सकते हैं गेट भी बंद है। आई थिंक आई डोंट नो यहाँ से क्या चेक करते हैं हमारा वो अल ममलकतुल अर्दनिया अल हाशमिया। السلام عليك الله حياك الله الله يسلمك شكرا بارك الله فرسٹ سیکورٹی چیک تھا یہاں سے انہوں نے صرف پاسپورٹ دیکھے ہیں کہ پاسپورٹ ویلڈ ہے یا کہ آئی ڈونٹ نو ویزا وغیرہ کا کچھ نہیں پوچھا ابھی جارڈن والی سائڈ ہے اور دیکھیے آپ کتنا رش ہے ادھر اور لیٹس سی کہ ابھی क्या सीन है इधर, बिकॉज मेरे पास तो ई वीज़ा है, हाफिज़ का वीज़ा ऑन अराइवल होगा, तो आई थिंक सीधा चलते हैं पहले। ये साइड पे उन्होंने बनाया हुआ है इमिग्रेशन अराइवल्स, तो आई थिंक यहाँ से वीज़ा वगैरह प्रोसेस होगा, तो मैं भी अभी गाड़ी पार्किंग में लगा के अपना वीज़ा लेके जाता हूँ, लेट्स सी क्या कहते हैं जी। गाइस इमिग्रेशन से बाहर आके गाड़ी में बैठ चुके हैं, अभी कस्टम की तरफ जाते हैं, तो मुझे आइडिया नहीं है कि अभी वो गाड़ी की जो इंश्योरेंस है वो
उससे ही करवानी थी, आगे से होगी, लेट्स सी, वहाँ जाके देखते हैं। अभी मैं अपनी गाड़ी उधर मूव कर रहा हूँ जॉर्डन कस्टम्स की तरफ। यहाँ पे गाड़ी की पूरी चेकिंग करेंगे, वो पासपोर्ट चेक करेंगे, तो जाते हैं इनके पास, देखते हैं क्या कहते हैं। सलाम अलैकुम सर। कस्टम्स पे खड़े हो गए हैं आके, और अभी यहाँ पे गाड़ी की चेकिंग वगैरह हो गई, आई थिंक लेट्स सी वो क्या करता है, क्या देखता है। तो रहा उसने कि आगे जाए, तो मैं आगे मूव करूँ। गाड़ी में ऐसा सच कुछ था नहीं, इसलिए जल्दी फ्री हो गए हैं जी। गाइस यहाँ से निकल गए हैं, अभी इंश्योरेंस का नहीं उन्होंने हमसे पूछा, और ना ही कोई उन्होंने गाड़ी के चार्जेस लिए हैं हमसे। आई थिंक वो आगे कैबिन लाजमी होगा जो हमसे वो पूछेंगे आगे। लेट्स आगे जा रहे हैं हम, देखते हैं कि आगे हमसे क्या पूछते हैं जी। ये देखें आगे एक काउंटर बना हुआ है, और आई थिंक यहाँ पर वो भी पता नहीं ये सिर्फ पेपर चेक करेंगे या कुछ और भी पूछेंगे हमसे। जो पेपर हमें इन्होंने बना के दिया है, इसके ऊपर लिखा हुआ है मेरा नाम, और अरबी में लिखा हुआ है दायरत अल जमारक बताका दखोल सियारत अल रकाब। ये इसकी एंट्री टिकट है गाड़ी की। हाँ ये वाला पेपर ले रहे हैं सबसे, ये वाला जो मुझे दिया था उन्होंने बना के, ये पेपर मांग रहे हैं वो सबसे। जो हमें जो दो सऊदी इमिग्रेशन वालों ने जो दो पर्चियाँ दी थी वो मैं इधर सेव रख लेता हूँ, ताकि वापसी भी शायद मांगे हमसे वो। رجع عند من؟ جمارك. عند الجمارك. إيش يبغى فيه؟ ختم؟ ما ختمت هو؟ لا ما ختمت. طيب. لف ورجع لي على الصيد هذا. لف ورجع نفس الشارع. أبشر طال عمرك أبشر. يلا. لف. لف لف ورجع. अच्छा वो पेपर पे ना वो स्टैंप लगवानी थी जो उन्होंने हमें दिया था, तो आई थिंक मैं भूल गया हूँ या उन्होंने मैंने स्टैंप लगाई। जी तो गाइज वो जिस पेपर पे हमने हम भूल गए थे स्टैंप लगाना, वो एक्चुअली कस्टम्स का ऑफिस है बकायदा इधर बना हुआ, स्टैंप लगानी थी, लेकिन उससे पहले वो उन्होंने कहा गाड़ी की इंश्योरेंस करवाएं, गाड़ी की इंश्योरेंस करवाई है, और एक महीने की हमें एंट्री दी गई है जो कि जिसके उन्होंने हमसे चार्ज किए हैं 36 दिनार जॉर्डन के फॉर द इंश्योरेंस फॉर वन मंथ ऑन। एंड उसके अलावा जो गाड़ी का परमिट हमें मिला है जिसको ट्रिप टिकट कहा जाता है, उसके हमने उन्होंने उसके लिए हमसे 20 दिनार अप्रोक्सीमेटली ये पैसे बने हैं, कोई 310 सऊदी रियाल टोटल ये बने हैं, 310 सऊदी रियाल। अभी हम जा रहे हैं, फाइनली जॉर्डन में आ गए हैं, पहले उन्होंने हमें वापस भेज दिया था उधर से, तो मैं दोबारा जा रहा हूँ। كلفت كثير والله المفروض خلينا دخلتها والله انت يعني ما يزبط ليش لازم تختم उसके बाद सऊदियों के लिए फ्री एंट्री है, गाड़ी के भी कोई पैसे नहीं है, खैर नहीं हाओ इतनी ज्यादा अमाउंट नहीं है, हमने पे कर दिए हैं पैसे। अच्छा जी यहां पे हम अपना वीलॉग एंड करते हैं, हाउ मैं उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। हम इधर अभी जॉर्डन में एक दो दिन रुकेंगे फिर वापस जाएंगे, बिकॉज ईद की छुट्टियां हैं, और मैंने काफ़ी कोशिश की है कि आपको जॉर्डन के बारे में सब बता दो जो लोग बाई रोड आना चाहते हैं सऊदी अरब से। मोस्टली जो लोग फैमिली विजिट वीज़ा पे आई हुई होती हैं तो वो ट्रैवल करती हैं जॉर्डन में अपना वीज़ा एक्सटेंड करने के लिए। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट्स में नीचे पूछ सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा गाइस, ख्याल रखिएगा, ऑल द बेस्ट।